परवत। नाम क्या जी आपका? धर्मचंद। कहाँ थे हो जी? दुराले से। 2024 के लोकसभा के चुनाव है जी, किसको वोट कर रहे हो? तीन कैंडिडेट सामने आए हैं। मोदी सरकार। मोदी सरकार पक्का? पक्का। ऐसा क्यों? ऐसा जिम्मेदारों के लिए भी अच्छा काम किया और देश के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कार्य हुए हैं अभी तक? लंबर तरक्की कर रहा है इंडिया। अच्छा। सबसे बढ़िया काम हो रहे हैं। जिम्मेदार ने तो 2000 मिल रहे हैं, फसल का खराबा भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया। आपके पास 400 पार का नारा है? 400 नहीं तो 450, 350 पार तो पक्का है। 350 पार पक्का है? पक्का। 100 पार। आपकी वोट किस पर जाएगी? मोदी पे। पक्का? पक्का। बदलतुन जाओ? बिल्कुल नहीं जाना। धन्यवाद जी। आज नमस्कार सर। जैसे ही कुरुक्षेत्र में तीन पार्टियां सामने आई हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन, और तीसरे नंबर पर जो इंडियन नेशनल लोकदल का आभा चौटाला, तो कौन सी पार्टी को जिताओगी? नवीन जिंदल को जी। नवीन जिंदल, जैसा कि मोदी की पार्टी या बीजेपी उससे खड़े हैं, तो क्या आस रखते हो नवीन जिंदल से? बढ़िया जी। और जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का गठबंधन है, उसका जो उम्मीदवार है डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको क्या नहीं चुनना चाहोगे? नहीं नहीं, बेकार पार्टी है सब। तो बीजेपी में क्या ऐसा है जो आपको पसंद करते हो? बढ़िया जी, काम हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। हाँ जी। और कई लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया, कागज़ों दिए, 80-80 के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काम हो रहा है जी, टाइम पे काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जाओ चाहे कहीं जाओ, संतुष्ट हो बीजेपी? हाँ जी। बढ़िया जी। बढ़िया। हाँ जी। आपकी आपकी सपोर्ट किस पार्टी से? नवीन जिंदल से जी, मोदी सरकार से। मोदी सरकार से। हाँ जी। आपका नाम सर? कुलविंदर जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कि लोकसभा चुनाव है और कुरुक्षेत्र से तीन प्रत्याशी सामने आए हैं, तो कौन से प्रत्याशी को आप 2024 के चुनाव में आगे लाएंगे? हम तो जी लाएंगे अपने नवीन जिंदल जी को लेंगे। नवीन जिंदल जैसा कि कांग्रेस से बीजेपी में आया, क्या इसे रुझान पड़ सकता है? नहीं। तो जो इंडिया गठबंधन से आया सुशील गुप्ता, उनके प्रति क्या सहानुभूति रखते हो आप? देखो जो बाहर का बंदा है, यहाँ का तो है नहीं। वो तो जिंदल साहब तो 10 साल पहले भी रह चुके हैं अपने यहाँ से, इनके डैडी भी रह चुके हैं ओम प्रकाश जिंदल जी। उन्होंने मतलब कि उन्होंने पर्सनली तौर पे भी बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि विधवाओं को और अपने बहनों को सिलाई मशीन दे रखी हैं, और अपने ये अपना पार्क बना रखा है नवीन जिंदल जी ने अपने बाप के नाम पर, और ये आँखें ठीक ऑपरेशन कराया है, बहुत से लोगों को फ्री ऑपरेशन करा रखा, फ्री चेकअप कराया शरीर का। तो ऐसे बहुत से सामाजिक कार्य हैं जो जिंदल साहब खुद अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से करते हैं, अपने निजी बहन करते हैं अपने पर। तो फाइनली आपकी वोट किस पर जाएगी? हमारे तो बीजेपी को जाएगी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है जी? भारत शर्मा। कहाँ से हो? पिहोवा, नई पुरानी सब्जी मंडी। अच्छा, आप युवा हो, यंग हो? हाँ जी। आई थिंक फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हो? यस सर। फर्स्ट टाइम दे रहे हो? हाँ जी। तो क्या एक्साइटमेंट है आपके में? देखो जी, जो भी हो, हम तो नवीन जिंदल जी के साथ हैं और उन्हीं को वोट करेंगे। उन्हीं को वोट? हाँ जी। अच्छा, जो ये 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हाँ जी, तो इसमें क्या लग रहा है नवीन जिंदल के कौन से नंबर पे आएंगे? पहले पे ही आएंगे जी। पहले पे? हाँ जी, टॉप है, फर्स्ट टॉपर पर। हाँ जी। कोई कार्य हुए हैं आपके? नौकरी वगैरह लगे या फैमिली में कोई? हाँ जी, बीजेपी की सरकार में? नहीं जी, देखो नौकरी तो लगे नहीं, पर हमारा काम अच्छा है जी, भगवान रोटी दे रहा है जी, बहुत बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं। जिनके राज में काम भी बहुत हुए हैं, पहले वो आए थे तो काम बहुत बहुत हुए जी यहाँ पे। अच्छा, काम हुए हैं? हाँ जी हुए हैं। अच्छा, जो ये कह रहे अभी अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है 400 पार? 400 पार जाएगा जी, आराम से जाएगा 400 पार। 400 पार? हाँ जी, पक्का है। पक्का? हाँ जी। जो बाकी जो कह रहे हैं अभी देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ नारे लगा रहे हैं वो? देखो जी, पता क्या, एक बंदा काम करता है तो उसको दबाने के लिए तो विरोधी पार्टी तो बहुत कुछ करते ही है। हाँ जी, ये 400 पार जाएगा, जाएगा 400 पार जाएगा जी। नवीन जिंदल के फेस को वोट कर रहे हो मोदी के? हाँ जी। नवीन जिंदल के फेस को वोट कर? नवीन जिंदल के फेस को वोट कर रहे हैं जी। मोदी? मोदी को फुल सपोर्ट है जी। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? भारत शर्मा। नाम? नाम क्या जी? राधेश्याम। 2024 के लोकसभा के चुनाव है जी, तीन कैंडिडेट है सामने, नवीन जिंदल, सुशील कुमार गुप्ता और अभय चौटाला, किसको वोट करोगे? मोदी जी को। ऐसा क्यों? ऐसा है जी, 370 जो हटाने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अच्छा। और जो कश्मीर हर टाइम पाकिस्तान कहता था कि मेरा है मेरा है, आज कहाँ, आज क्यों नहीं बोलता फिर वो? आज क्यों नहीं कहता पाकिस्तान? आज क्यों नहीं उठता पाकिस्तान का बंदा? और जो मोदी ने कर दिया वो सुनना है। अच्छा। इससे ऊपर कोई कर नहीं सकता। मोदी पे जाओगे? मोदी पे जाएगी। आपकी फैमिली की?
मोदी का ही है ज्यादा। शायद मोदी का है। जिंदल साहब को वोट कर रहे हो, मोदी साहब को देख के वोट कर रहे हो? दोनों हमारे लिए तो एक है जी, जो दोनों एक है। मतलब कार्य हुए हैं, कार्य वही है। कांग्रेस के राज्य में कोई कार्य हुआ है? इतना नहीं जी, जो मान लो जो शुरू से इन्होंने किया है, जो ज्यादातर सिस्टम में अपने रहे हैं ये। अच्छा। और इन्होंने अपनी तरफ ध्यान किया है, कभी कुछ कह रहे हैं, कह के कहते कुछ और करते कुछ। अच्छा, आपकी वोट किस पे जाओगे सर? मोदी जी का। धन्यवाद। नमस्कार जी। सर जी नाम क्या है जी? सर मेरा नाम दयाराम है, बी एल ए टू, बीजेपी दुराला मंडल से। सर जी, लोकसभा के 2024 के लोकसभा के चुनाव है जी। हाँ जी सर। तीन कैंडिडेट सामने आए हैं। ठीक है जी। नवीन जिंदल, सुशील कुमार गुप्ता, अभय चौटाला, किसको वोट करो? सर नवीन जिंदल का ही चल रहा है सर यहाँ से, मोदी को। हाँ जी सर। आप मोदी को वोट कर रहे हो? हाँ जी सर। पहले तो मोदी जी है देखो देश के हित में, तो और नंबर दो पे आता है जिंदल जी हैं इनके। हाँ जी। ये कह रहे हैं आपकी बात 400 पार? सर प्लस ही जाएगा सर, 400 पार सर प्लस ही जाएगा। ये कह रहे हैं अभी देश बचाओ, दूसरी ओपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं देश बचाओ। सर ऐसा है देखो, ऐसे तो सभी पार्टियां कहती हैं सर, पर जो देश के लिए काम कर रहा है हम उसको वोट दे रहे हैं सर। देश के लिए काम कौन कर रहे हैं? सर मोदी जी कर रहे हैं। और देश में कौन चल रहा है? सर बस मोदी ही चल रहा है बस, और खैर कुरुक्षेत्र लोकसभा जिंदल ही निकालेंगे सर। जिंदल निकालेंगे? बिल्कुल जी, क्लियर है सर। मिनिमम 1.5 प्लस है। 1.5 लाख प्लस है। नाम क्या? सर मेरा नाम दयाराम है सर, गामिंग का। राम राम जी। नाम क्या जी? गुरनाम सिंह। करते हैं द्राले से ही। अच्छा, 2024 के लोकसभा के चुनाव है, किसको वोट करोगे? तीन कैंडिडेट है, नवीन जिंदल, सुशील कुमार गुप्ता, अभय चौटाला, किसको वोट कर रहे हो? आपा मोदी को जी। मोदी को? हाँ जी। ऐसा क्यों? मोदी के राज में क्या? मोदी को माने बढ़िया है, राज बढ़िया लगे जी। के काम हुए मोदी के राज उसमें माना बहुत बढ़िया जी है। आपका काम हुआ है मोदी के राज? हाँ जी। ये काम हुआ? मेरे को रेडी मिली। कौन सी रेडी? वो ट्रेन साइकिल। अच्छा। हाँ जी। विकलांग हो आप? हाँ जी। साइकिल मिला आपको? हाँ जी। और क्या काम हुआ? बहुत बढ़िया काम करे जी मोदी नु, बहुत बढ़िया काम करे। हाँ जी। और यू कह रहे अभी आपके पास 400 पार के नारे लगाने लग रहे बीजेपी वाले, क्या लगा 400 पार होएगा? नहीं 400 नहीं पार, तो 350 पार पक्का जी। 350 पार पक्का? पक्का। हाँ जी। आपकी वोट किस पर जाओगी? मोदी। मोदी पर? हाँ जी। और ये दूसरी पार्टी है कौन? देश आप नाम ना ना अपन जान दे किसी नु। देश में कौन आका चल रहा? आपन ही मोदी। मोदी आका चल रहा? हाँ जी। मोदी बनेगा पक्का? आपकी वोट मोदी पर? हाँ जी।